सोशल इशू उठाए गए हैं उस पर आपका क्या कहना? सही उठाए गए हैं? बहुत सही उठाए गए हैं। इलेक्शन भी आने वाले हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, एकदम सही टाइम पे आई है। पर सुपर डुपर हिट होगी, जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें सारी चीज़ उसमें दिखाई है किस तरह हमें होना चाहिए, और जैसे पॉलिटिक्स के हिसाब से भी उसमें दिखाया है कि कैसे कैसे हमें देना चाहिए, वोट किसको देना चाहिए, है ना। बहुत ज़बरदस्त उसमें जो लास्ट में मैसेज दिया है शाहरुख खान ने, उससे मैं बहुत सहमत हूँ। एक अच्छी तो मूवी, ये सब चीज़ें मूवी में ही अच्छी लगती है, रियल में तो ये होती नहीं है। थिंक अबाउट दीज इश्यूज, बिल्कुल ठीक ठाक जगह देख के वोट दे, अपना सही वोट दे। और एक आर्मी का दिखा रखा ना गन, जो गन वे हो जाती है, आर्मी पे ध्यान दे। अच्छा। सबसे पहले आर्मी। ये मूवी वास्तव में पब्लिक को जगाने के लिए है। अच्छा। आप अपने ज़रूरतों को पूछिए, अपने पॉलिटिशियन से जो आपके करीबी मतलब आपसे वोट मांगने आते हैं, आप उनसे पूछिए कि हाँ आप हमारे लिए क्या करें। तो इस मूवी में जो समझाया गया है सर, पब्लिक के थ्रू एक मैसेज दिया गया है, वो बिल्कुल राइट है सर, एकदम सही है, बिल्कुल राइट मैसेज है सर, क्योंकि आम इंसान के साथ ही गलत होता है हर बार। जैसे वो टीचर ने बोला था कि पढ़े लिखे पॉलिटिशियन चुने, वैसे ये भी है कि मतलब अच्छे वो नेता चुने आप। शाहरुख है, इस वजह से बढ़िया थी या बाकी फिल्म बढ़िया? बाकी फिल्म बढ़िया थी, स्टोरी लाइन काफी अच्छी थी। कहते ना कि शाहरुख के जो पसंद फैन है वो तो, पर स्टोरी लाइन भी अच्छी थी। और बोल रहे हैं कि वोट सोच के करो, समझ से करो, और अपनी क्वेश्चंस रेज करो पार्टी से, तो वो उन लोगों को तो हेल्प करेगा ही जो थोड़ा कम अवेयर है। ओवरऑल पूरे सिस्टम को टारगेट किया गया, उसमें पूरा वो करना है, ओवरऑल चेंज करना है, पूरा करप्शन बहुत ज्यादा है उसको लेके है सब टारगेट। बहुत अच्छा एक जरिया है लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का कि जैसे हमारे किसान इतनी सुसाइड करते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो उन्होंने एक सरकास्टिक वे में कहा है कि जब 5 दिन में ये काम किया जा सकता है तो इट टेक्स मैनी ईयर्स एंड इट इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ, राइट। सुपर एकदम सर। जब तीसरा दिन है आज भी लोग थे काफी है? सर पूरा क्राउड भरा हुआ है, सीटें कहीं नहीं है। फेमस फिल्म एक्ट्रेस को करना चाहिए और शाहरुख खान हैज डन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो जवान फिल्म का आज तीसरा दिन है, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जवान फिल्म के सहारे जिन सोशल इश्यूज को उठाया गया है, शाहरुख खान ने जिन सोशल इश्यूज को उठाया है उन पर लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया की माने तो तमाम लोग ये बात लिख रहे हैं कि सरकारों को आईना दिखाने का काम ये फिल्म कर रही है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की गई है, इस फिल्म में वोट देने के अधिकार पर बात की गई है, अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि से सवाल करने की बात की गई है, तमाम उदाहरण दिए गए हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक होना क्यों ज़रूरी है इस पर बात की गई है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम सवाल गूंज रहे हैं कि क्या ये फिल्म सरकारों को आईना दिखा रही है, क्या ये फिल्म बता रही है कि हमें जो है किस तरफ किस इशू पर ध्यान देने की ज़रूरत है, किन पर बात करने की ज़रूरत है, किन पर काम करने की ज़रूरत है। तो इन सारे सवालों के साथ आज फिर हम जनता के बीच में आए हैं, यानी जो लोग फिल्म देखकर निकल रहे हैं वो इस संदेश को किस तरह से देख रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। ये जनता से सीधे बात करते हैं, क्या कहना चाहिए? मस्त थी एकदम, बहुत अच्छा एक्शन था, ओवरऑल इट्स गुड, परफेक्ट। 8, 7, 8 हाँ अच्छी थी सर। अभी भी क्राउड उतना ही है, कम हुआ है? हाँ जी, हाँ जी सर, इट वाज गुड, या इट वाज रियली गुड। कैसी लगी मूवी? अमेजिंग। अमेजिंग। जो इश्यूज उठाए गए हैं इसमें उन पर आपका क्या कहना है, क्या पॉलिटिकल है वो? कौन सी इश्यूज? वोट की बात जो कही गई है, नहीं सही बात है, सही बात है वो, अच्छी है। अच्छा मैम, जो सोशल इशू उठाए गए हैं मूवी में उसको लेकर आपका क्या कहना है, वोट की बात की गई है? देखिए अच्छी तो मूवी, ये सब चीज़ें मूवी में ही अच्छी लगती है, रियल में तो ये होती नहीं है, सो इट्स गुड मूवी वाइज, इट्स गुड। पर एक संदेश के तौर पर हाँ इट्स फाइन, दैट इन दैट केस ये तो सही है, सरकारों पर इस पर काम करना चाहिए, मतलब भ्रष्टाचार ऑफ कोर्स चाहिए, बट इट नेवर हैपेंस होता नहीं है ये। वैसे मूवी क्या लगता है कि मतलब ये जो मैसेज दिया गया है, क्या ये सरकारों को चेताने के लिए दिया गया है, क्या लगता है? Maybe. किस तरीके के इशू उठाने चाहिए? Maybe. But then... जो उठाए गए हैं उन पर काफी चर्चा हो रही है, उन इश्यूज पर आपका क्या कहना है? वो इश्यूज तो है इंडिया में, शुरू से है वो इश्यूज, वी हैव टू थिंक अबाउट दीज इश्यूज, काम करने की जरूरत, बिल्कुल। सुपर डुपर हिट होगी, जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें सारी चीज़ उसमें दिखाई है किस तरह हमें होना चाहिए, और जैसे पॉलिटिक्स के हिसाब से भी उसमें दिखाया है कि कैसे कैसे हमें देना चाहिए, वोट किसको देना चाहिए, है ना। बहुत ज़बरदस्त उसमें जो लास्ट में मैसेज दिया है शाहरुख खान ने, उससे मैं बहुत सहमत हूँ, बहुत बढ़िया बात कही है। क्या लग रहा है कि वो सरकारों को एक तरीके से चेताने के लिए था कि किस पर काम करने की जरूरत है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही दिखाया उसमें ये चीज़ के हमें किस तरह मतलब वो करना चाहिए, और अपनी जो हमारे अंदर जो पावर है, पब्लिक के अंदर जो पावर है उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए हमें, जैसे पब्लिक इस टाइम सोई भी उसे अवेयरनेस होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। जी आपका नाम सर? आरवी फौजी।
अभी जो इश्यूज उठाए गए हैं फिल्म में उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, कहा जा रहा है कि सरकारों को चेताने के लिए ये इश्यूज उठाए, इस पर बात करनी चाहिए, आपको किस तरह से देखते हैं? सरकार को कोई नहीं, वो तो अपना बस ठीक ठाक जगह देख के वोट दे, अपना सही वोट दे, और एक आर्मी का दिखा रखा ना गन, जो गन वे हो जाती है, आर्मी पे ध्यान दे सबसे पहले, आर्मी और सब चीज़ें बाद में, तो गन जाके वो लो रही है तो हथियार अच्छे जाएंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बात की, हाँ है। वो तो है ठीक है, पर वोट वो आई ना कि कह रहे हैं वोट पे आई है, हाँ। वो आएगी सोच समझ के दो वोट कि आगे अपना देश कामयाबी करे, किसी एक पार्टी के लिए तो नहीं है ना, ना कोई एक पार्टी के लिए तो कोई है नहीं, जिसकी मर्जी है वह वोट वहाँ देगा, वो अच्छी है मूवी। क्या आप भी वही क्राउड है, कम हुआ है? नहीं वही है, वही वही क्राउड है। किन जो मुद्दों को उठाया गया वो कैसे देखे? बढ़िया अच्छा है। चलिए ठीक है, जो मुद्दे उठाए गए हैं कैसे देखते हैं उनको? ये मूवी वास्तव में पब्लिक को जगाने के लिए है। अच्छा। आप अपने जरूरतों को पूछिए, अपने पॉलिटिशियन से जो आपके करीबी मतलब आपसे वोट मांगने आते हैं, हाँ। आप उनसे पूछिए कि हाँ आप हमारे लिए क्या करेंगे। ये हमारे पब्लिक को जगाने के लिए अच्छी मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, अगर हम इसको इंजॉय करते हैं तो दूसरी तरफ ये इसका बेनिफिट भी हमें लेना चाहिए। मूवी बहुत जोरदार। क्या ऐसा है कि मौजूदा सरकार को कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास किया है? इनडायरेक्टली मुझे भी लगता है, इनडायरेक्टली है ऐसा। इनडायरेक्टली है। आपको कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी। सोशल इशू जो उठाए हैं उस पर क्या कहना चाहते हैं? सोशल इशू जो उठाए वैसे वो ठीक हैं, लेकिन मेन चीज क्या है, लोग है ना सोते रहते हैं, लोगों का काम है सोना, हाँ यहाँ मुझे ये दिखा कह हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन बाद में फिर आराम से सब लोग सोते रहते हैं, उनको सबको पता है कुछ नहीं होना। वैसे ठीक है फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन जो सोशल जो चीज़ दिखाई है उस वो अच्छा है, मतलब अब मैं इसको क्या बोलूं, आनी चाहिए थी इसको जनवरी तक, आनी चाहिए थी जनवरी तक, आना चाहिए था चुनाव के आस करीब में आना चाहिए था। मतलब क्या लग रहा है चुनाव को देखते हुए ये फिल्म बहुत परफेक्ट है, पब्लिक के दिमाग में कुछ आइडिया जरूर आएंगे इसको देखने के बाद, पब्लिक इसको देखेगी उसके बाद सोचेगी हो सकता है जग जाए वो सरकार के बारे में, चूज करे राइट डायरेक्शन पे जाए, हो सकता है। पर सरकार को लेकर जैसे अभी फिल्म के द्वारा ये बताया गया कि भाई आपको वोट देना है तो आपको सोचना पड़ेगा, सवाल करने पड़ेंगे, तो अभी जो मौजूदा सरकार चल रही है और जो मुद्दे अभी हमारे समाज में उठ रहे हैं उनको ध्यान में रखकर ही ये बात कही गई है। यही मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे वो टीचर थे जो अनअकैडमी वाले, उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे उसको चुने, उसी तरह ये भी है, हो सकता है इसको भी बैन या फिर इस पर भी कुछ आपत्ति ना जताई जाए, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनडायरेक्टली ये भी उस टीचर की तरह ही है, जैसे वो टीचर ने बोला था कि पढ़े लिखे पॉलिटिशियन चुने, वैसे ये भी है कि मतलब अच्छे वो नेता चुने आप अपने पास से, इतना ही है मुझे लगा। ठीक शाहरुख का एक्शन बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छी मूवी थी पूरी। सर मूवी बहुत अच्छी है, जबरदस्त जबरदस्त बिल्कुल, कहीं पर भी नहीं लगा कि बोर हुए हो? नहीं सर बिल्कुल कहीं नहीं लगा, और एक्शन जो है वैसे तो उन्हें रोमांस का बादशाह कहा जाता है, लेकिन एक्शन में भी वो पीछे नहीं है, सुपर एकदम सर। तीसरा दिन है आज, आज भी लोग थे काफी है? सर पूरा क्राउड भरा हुआ है, सीटें कहीं नहीं है, बिल्कुल सर। अच्छा एक बात बताइए, ये कहा गया है कि फिल्म में जो सोशल इशू उठाए गए हैं जैसे वोट देने की बात कही गई है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात की गई है, वो इश्यूज सर मेरे हिसाब से इस मूवी को, इस मूवी में जो समझाया गया है सर, पब्लिक के थ्रू एक मैसेज दिया गया है, वो बिल्कुल राइट है सर, एकदम सही है, बिल्कुल राइट मैसेज है सर, क्योंकि आम इंसान के साथ ही गलत होता है हर बार, बिल्कुल राइट है सर। पर क्या आपको लगता है कि इन सोशल इश्यूज के सहारे जो मौजूदा सरकार है कहीं ऐसा तो नहीं है उसको घेरने का प्रयास किया गया? नहीं सर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है सर, मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, लोगों की समझने की बात है, लोगों की सोच की बात है सर, कि उस मूवी को देख के क्या समझते हैं, क्या थॉट लाते हैं अपने माइंड में, बट मेरे हिसाब से सर इट्स वेरी गुड। अच्छा कैसी लगी मूवी? कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी थी, जबरदस्त। अब तीसरा दिन है, अभी क्या लगा कि क्राउड पूरा है कि कम हुआ है? क्राउड पूरा है, मतलब यहाँ पे तो इतना क्राउड भी नहीं आता, पर ये भी फुल था। फुल था। आपको? बढ़िया थी भाई, बहुत प्यारी मूवी थी। अच्छा ये शाहरुख है इस वजह से बढ़िया थी या बाकी फिल्म बढ़िया? बाकी फिल्म बढ़िया थी, स्टोरी लाइन काफी अच्छी थी, कहते ना कि शाहरुख के जो पसंद फैन है वो, पर स्टोरी लाइन भी अच्छी थी। अच्छा एक एक जरूरी सवाल जो सोशल मीडिया पर उठ रहा है कि फिल्म के सहारे जो है सोशल इशू को उठाया गया, जैसे वोट की बात कर रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं आम नागरिक को लेकर, वो किस तरह से देखते हैं उस इशू को? सही उठाया है? मतलब हाँ सही है, क्योंकि देखते हैं मिनिस्टर देखते हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं होती, एजुकेशन करप्शन ज़्यादा है उसकी वजह से, तो मेरे ख्याल से तो ठीक था।
ठीक उठाया गया है। 24 का चुनाव जो करीब है, क्या लगता है इस तरह की मूवियाँ लोगों को जागरूक करेंगी? हाँ, करनी चाहिए लोगों को। वोट करने को बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि वोट सोच के करो, समझ से करो और अपनी क्वेश्चंस रेज करो पार्टी से, तो वो उन लोगों को तो हेल्प करेगा ही, जो थोड़ा कम अवेयर है गाँव के लोग हैं, वो उतना उनको नॉलेज नहीं होती, वो बस इन्फ्लुएंस में वोट कर देते हैं, थोड़ा ऐसा भी होता है, तो उनको उन तक मूवी पहुंचेगी तो उनको थोड़ी मिलेगी नॉलेज की, हाँ जो हमारी नीड्स हैं वो पुट करनी चाहिए और जो पार्टी उनको फुलफिल करती है उसको वोट करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टारगेट किया है, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया है, बस नॉलेज फैलाने के लिए। लास्ट में मैसेज था, एक एक्सटेंडेड मैसेज था शाहरुख खान, हाँ जो शाहरुख खान देते हैं ऑन, मतलब वो टीवी पे देते हैं और लोग सब सुनते हैं, ऐसा दिखाया गया है, तो मतलब हाँ मैसेज तो ठीक था, ऐसा नहीं है किसी पार्टी, हमें तो ऐसा नहीं है किसी पार्टी के लेके था, बट ठीक। ये कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकारों को देखते हुए जो काम या जो भ्रष्टाचार जो इस तरह की चीज़ें, इस वजह से ऐसा हुआ है। हाँ, उतना तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन अब परफेक्ट किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया है, ओवरऑल पूरे सिस्टम को टारगेट किया गया, उसमें पूरा वो करना है, ओवरऑल चेंज करना है, पूरा करप्शन बहुत ज़्यादा है उसको लेके है सब टारगेट। हाल ही में जो फिल्में आई हैं उनमें से इस फिल्म को कौन से नंबर पर रखेंगे? जैसे गदर 2 हुई, गदर 2 के बाद शायद ये बेस्ट होगी, गदर 2 के बाद पहली नंबर पे है। हाँ, आई थिंक एंटरटेनमेंट के मामले से, एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचूंगा अगर, तो मेरे ख्याल से तो गदर 2 बेटर थी। ठान और जवान में जवान बेस्ट है, जवान बेस्ट, जवान अच्छी है, स्टोरी अच्छी है काफी। चलिए, सोशल इशू की बात चल रही है, कुछ और लोगों से बात करें। शुक्रिया आप सभी का। क्या नाम हुआ भाई आपका? तनिष्क। तनिष्क, तनिष्क मूवी देखी? हाँ, मूवी। तीसरा दिन है, क्राउड कैसा है? क्राउड तो फुल है, अभी तो फर्स्ट वीकेंड ही है, अभी तो सैटरडे है, संडे है, अभी तो फुल ही रहेगा सब कुछ। हमने भी 9 बजे का शो इसलिए लिया क्योंकि खाली नहीं था कुछ, अच्छा। उसके बाद का तो फुल ही था, तो इसलिए अभी आए हैं। अभी आए, हाँ। तो फिल्म में जो सोशल इशू उठाए गए हैं उस पर आपका क्या कहना? सही उठाए गए? बहुत सही उठाए गए हैं, इलेक्शन भी आने वाले हैं, अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, एकदम सही टाइम पर आई है। बट वही है कि अब जिसको जहाँ वोट देना होता है वो इन्फ्लुएंस तो लीडर से ही होते हैं, जितने शाहरुख फैंस हैं। अब पॉलिटिक्स तो अलग ही है, बट एक फिल्म की तरह लेना चाहिए, फिल्म की तरह लिया है, बाकी शाहरुख खान के फ़ैन है तो ये भी है ना कि अभी हाल ही में जो फिल्म आई हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी, तो कहा था कि राजनीति से प्रेरित है, तो क्या इस तरह का ये फिल्म कोई काम कर रही है? थोड़ा बहुत कह सकते हैं क्योंकि पार्टीज कितनी भी बदल जाएँ, कुछ चीज़ें इंडिया में सेम ही रहने वाली हैं। कैसी, जो अब बहुत सी चीज़ें दिखाई हैं जो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में बहुत टाइम तक चेंज हो सकती है, क्योंकि एक तो पब्लिक मेंटेलिटी, उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब पब्लिक की मेंटेलिटी अगर जब तक नहीं बदलेगी तो लीडर्स कुछ नहीं कर सकते। लीडर तभी कर सकते हैं जब पब्लिक की मेंटेलिटी थोड़ी सही हो और पब्लिक थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़े, एजुकेटेड हो, तो वो ज़्यादा डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है, देखो मूवी का काम करेगी, अगर वो चीज़ होगी प्रॉपर तो फिर उन चीज़ों पर इतना फोकस करा जाता है, अगर सरकार को आईना दिखाना। तो बाकी ये था, एक जागरूकता थी कि हाँ भाई वोटिंग आने वाली है तो वोट सोच समझ के दें अपने। इन्फ्लुएंस करेगी ये? इन्फ्लुएंस हाँ बिल्कुल कर सकती है, शाहरुख फैंस हैं उनको तो ज़रूर करेगी, ऐसा किसी के खिलाफ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि एक टच दे दिया है कि हाँ, और मूवी बहुत बढ़िया है, सबको देखनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करें। मैम, क्या नाम हुआ आपका? आदिति दीमान। आपने मूवी देखी, तीसरा दिन है, क्राउड या कुछ कमी आई है? नहीं नहीं, क्राउड तो अच्छा था और बहुत हूटिंग हो रही थी मूवी में, लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, इट वॉज रियली अमेजिंग। अभी लेटेस्ट जो फिल्म आई है उनमें से इस मूवी को आप किस स्थान पर रखेंगे, पहले नंबर पर या नीचे? अभी गदर 2 तो मैंने देखी नहीं है, पर मोस्टली सुनने में आ रहा है कि गदर 2 भी इसकी टक्कर में है, पर फिलहाल के लिए तो मैंने जवान देखी है तो पहले नंबर पे वही है। 10 में से कितने नंबर? 10 out of 10। मतलब फुल एंजॉयमेंट रहा? या फुल एंजॉयमेंट। अभी जो सोशल इशू पर, क्योंकि सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है इस बात को लेकर कि फिल्म में सोशल इशू पर बहुत गौर दिया गया है, वोटिंग आप कैसे करोगे और जो सोशल इशू हैं, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर हो, तो इन इशूज़ को फिल्म के द्वारा उठाया गया है, इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा एक ज़रिया है लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का कि जैसे हमारे किसान इतनी सुसाइड करते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो उन्होंने एक सरकास्टिक वे में कहा है कि जब 5 दिन में ये काम किया जा सकता है तो इट टेक्स मैनी ईयर्स एंड इट इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ, राइट? सो ये एक अच्छा संदेश है कि किसानों पे नहीं कोई फोकस होता है, और हेल्थ है, हेल्थ इश्यूज इतने हैं, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है जितनी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती हैं। तो इन्होंने अपने मूवी के ज़रिए बहुत सारे संदेश दिए हैं, देखिए कि जो अच्छे लोग हैं उनको वोट करें,
मोदी जी हैं और आई डोंट थिंक कि अभी उनके अगेंस्ट अपोजिशन में कोई भी ऐसा है जो कि हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके. सो करंटली वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अदर देन मोदी जी. सो व्हाट ही इज़ डूइंग ग्रेट एंड वी आर विद हिम. ही इज़ वर्किंग इन अ गुड पेस, हैविंग गुड इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स. एंड अभी G20 चल रहा है तो G20 में इतने सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं हमारी कंट्री में जो हमारी कंट्री से डिस्कशन कर रहे हैं. और हमारी कंट्री काफ़ी फेमस आ रही है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से ज़्यादा होके डेवलपमेंट की ओर बढ़ती जा रही है. ये कह सकते हैं कि सरकारों को किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उस तरफ इशारा किया है. हाँ, उस तरफ भी इशारा किया है और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मोदी जी के आने में काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव भी हुई हैं. और इस मूवी ने संदेश दिया है कि जैसे ऑब्वियसली ही इज़ PM, ही कैन नॉट कंट्रोल ऑल द मिनिस्टर्स एंड ऑल. तो जैसे हेल्थ मिनिस्टर्स हो गए या हमारा ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गए, उन लोगों को भी थोड़ा सजग होना चाहिए और आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए कि किसान ऐसे सुसाइड कर रहे हैं. और इनडायरेक्टली तो हम पे ही फ़र्क पड़ता है ना. अगर किसान नहीं होंगे तो हम लोग क्या खाएंगे, आप खुद ही सोचिए. अगर किसान नहीं होंगे तो हम लोग क्या खाएंगे. सो मूवी के थ्रू उनको इन सब बातों से जागरूक करना ना एक अच्छी चीज़ है और सभी फेमस फिल्म एक्टर्स को करना चाहिए. और शाहरुख खान हैज़ डन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस. सो इट वॉज अ ग्रेट मूवी. थैंक यू सो मच मैम. कैसी लगी? अच्छी थी, बहुत धमाकेदार. कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा मगर बहुत ही अच्छी थी इंटरवल से लेके पूरी. एक सवाल ही पूछूँगा मैं आपसे. अभी आपकी यंग एज है और स्टडी स्कूलिंग कर रहे होगे, तो इस मूवी से क्या सीख कर जा रहे हो? मैं सीख कर जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट फ्लॉड है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं और कभी भी कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता, पर हमें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए और जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए. हाँ, जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए. हिंदी मुझे उतनी आती नहीं तो ठीक है. रेस्पॉन्सिबल पर्सन होना बहुत ज़रूरी है, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं. और जिस तरह से मूवी के जो रिएक्शन आ रहे हैं, सोशल इशू पर हम खास कर के इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के माध्यम से सोशल इशू जब उठाए जाते हैं तो वो जनता तक, आवाम तक जाते हैं और आवाम उसको किस तरह से देखती है, समझती है, वो बेहद ज़रूरी है क्योंकि फिल्म समाज का आईना होती हैं. और जो फिल्म अभी आई है जवान, उसमें जिन इशूज़ पर बात की गई है, चाहे वो सोशल इशू स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर वोटिंग का अधिकार हो या अपने चुने हुए प्रतिनिधि से सवाल करना हो, ये सारी बातें शाहरुख खान करते हुए नज़र आ रहे हैं. और इन्हीं पर हम लोगों से सवाल कर रहे हैं कि लोग इस तरह के सोशल इश्यूज़ को किस तरह से देखते हैं, क्या मौजूदा सरकार को ये आईना दिखाने का काम है या वाकई जो आने वाली सरकारें हैं वो इन पर ध्यान दें, ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं. ये तमाम सवाल हैं. जनता का जो रिव्यू है वो आपने सुना. इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. इस पूरे वीडियो को लेकर, इंटरव्यू को लेकर आपका जो कुछ कहना है कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा. शुक्रिया. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.